डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनरी कोड्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोडिंग सिस्टम्स को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम हम यूज क्यों करते हैं। देखो, एज ए ह्यूमन बींग अगर हम बात करें तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, जर्मनी वाले जर्मन यूज कर रहे हैं, जापानी जो है वो जापानीज यूज कर रहे हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और हमारा जो है वो मेन पर्पज क्या होता है कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को किसी को भेजते हैं तो हम उसी लैंग्वेज में भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं हिंदी का यूज करूंगा, पंजाबी का यूज करूंगा या इंग्लिश का यूज कर रहा हूं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी, मतलब जीरो और वन की फॉर्म। हम लोग जो मर्जी यूज करते फिरे, कंप्यूटर जो है वो एक ही यूज करता है, दैट इज बाइनरी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अब मेरे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं, पीपीटीज हैं, पीडीएफ्स हैं, बहुत सारा डेटा है। उस डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है कंप्यूटर में, अगर मुझे सीडी में, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, कहीं पे भी कंप्यूटर में कहीं पे भी स्टोर करना है, तो वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। तो कोई भी डेटा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। और उल्टा क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया, मतलब दोबारा उसको मैं जब वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो वो डिकोडिंग हो जाता है। तो यहां पे जब हम इन्हीं फोटोज को, वीडियोस को जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम उनको एनकोड करते हैं, तो हमारे पास अलग-अलग मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं, अलग-अलग कोडिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। तो वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ जाती है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में हमारे पास ये आपने सुना होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड के बारे में, एस्काई कोड्स के बारे में, जो कि 7-bit का कोडिंग सिस्टम है। इसमें होता क्या है, 26 आप कह सकते हो कि लोअर करेक्टर्स इंग्लिश के, 26 आपके इंग्लिश के कैपिटल करेक्टर्स के लिए, 25 इसके अंदर जो है वो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी। तो मान के चलो कि आपके 7-bit का टोटल जो है वो एस्काई, तो इसमें 128 वैल्यूज को आप एनकोड कर सकते हो। तो ये एस्काई कोड बहुत पहले जो है वो काफी पॉपुलर यूज किया जाता था, आज भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आया जी एब्स्ट्रैक्ट कोड। जैसे एस्काई कोड में अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हम बात करें कैपिटल ए, तो कैपिटल ए मेरा वहां पे क्या होता है 65, कैपिटल ए क्या होता है 65। तो 65 अगर हम बात करें, जैसे मैंने कैपिटल ए को स्टोर करना है, कोई कहीं पे भी कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो अगर मुझे उसको स्टोर करना है बाइनरी में, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, तो मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 01000001। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से बाइनरी कोड हो गया, किसका, कैपिटल ए का। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो आया, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड बीसीडी। तो यहां पे 8-bit का कोडिंग सिस्टम यूज किया गया, मतलब थोड़ा साइज बढ़ा दिया, इसमें एक्स्ट्रा सिंबल, एक्स्ट्रा करेक्टर्स आप जो है वो सेव कर सकते हो, क्योंकि 8-bit का है, 256 वैल्यूज को आप एनकोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आया जी यूनिकोड, जो कि आज के टाइम भी यूज किया जाता है। ये वाले पहले यूज होते थे, बट आज के टाइम पे यूज किया जाता है यूनिकोड। आप जावा की बात कर लो, पाइथन की बात कर लो, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है यूनिकोड। इसमें भी आपके यूटीएफ, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 8-bit का यूटीएफ कोड भी यूज किया जाता है, 16-bit का भी यूज किया जाता है, 32-bit का भी यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ करेक्टर्स को हम लोग एनकोड कर सकते हैं बाइनरी में, तो ये जो है वो वाइडली यूज किया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नोट करना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक कोड्स। न्यूमेरिक कोड्स में हम लोग बात करें तो आपका बीसीडी, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, जहां पे डेसिमल नंबर को बाइनरी में एनकोड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 0000 है, ठीक है, तो वो आपका जीरो हो गया। ऐसे अगर हम बात करें, लेट्स सपोज यहां पे मैं 7 ले लूं, तो 7 जो है वो एक डेसिमल नंबर है, तो इसको मैं अगर बाइनरी में एनकोड करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, 0111, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 है, 9 क्या एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि 0 से 9 आपकी रेंज होती है डेसिमल की, तो 9 को हम कैसे करते हैं 1001। तो ये 0 से लेके 9 तक इस तरीके से बाइनरी में एनकोड किया जाता है। इसमें भी आगे कैटेगरी आ जाती है वेटेड, नॉन वेटेड। वेटेड में हमारे पास अलग अलग वेटिंग जो है वो वेटेड कैटेगरी आ जाती है, यहां पे बहुत सारे यूज किए जाते हैं वेटेड कैटेगरी। इसमें एक्चुअली में इसका वेटेड नाम क्यों है, क्योंकि इसको हम मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला है इसके पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज कर रहा हूं 3321,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोडिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ 3321। अब मैं कोई भी बाइनरी में अगर लेट्स सपोज वैल्यू लिखता हूँ, कोई भी बाइनरी में वैल्यू लिख लो, लेट्स से 1001 अगर मैं ये लिखता हूँ, तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट चेक करना चाहता हूँ कि इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, मतलब 3 × 1 क्या हो गया 3, प्लस 3 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, 2 × 0 0 ही हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो यानी 3 + 1 क्या हो गया 4, यानी ये एक्चुअल में 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग सिस्टम। तो आप कोई भी सिस्टम यूज करो उसको इस फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन नॉन वेटेड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें मेनली हम लोग यूज करते हैं ग्रे कोड, जिसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोला जाता है। यहाँ पे हर एक नंबर के बीच में जो है वो डिस्टेंस होता है यूनिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं 0000, ठीक है 0001। नॉर्मली तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीसीडी में अगर मैं लिखूं 00 उसके बाद 0001 001 001 0100, इस तरीके से लिखते हैं ना, ये 0 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरीके से हम अप टू 9 तक लिखते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रे कोड में लिखूं तो ग्रे कोड में 000 ये तो सेम हो गया, लेकिन इसके बाद मेरे पास यहां पे 0001 ये भी सेम हो गया, सिर्फ एक बिट में डिफरेंस आएगा। तो देख लो यहां पे सिर्फ एक बिट को चेंज किया। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो देखो ये 10 बन गया और ये 01 बन गया, तो यानी 2 बिट का चेंज हुआ है। तो बीसीडी में तो ऐसे ही है, लेकिन यहां पे 2 बिट का चेंज नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, ये वाला 1 एज इट इज, लेकिन ये 0 क्या बन गया, 1 बन गया, सिर्फ एक बिट में चेंज करना है। इसके नेक्स्ट अगर आप करोगे तो 0010 कर दो, तो देखो ये वाला 10 हो गया लेकिन ये 1 एज इट इज, तो हर एक में आपका सिर्फ एक बिट का ही चेंज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। और ये KMap वगैरह में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, तो यहां पे KMap डिजाइनिंग में। फिर आ जाता है जी आपका Access3। Access3 क्या है, ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 ऐड करके लिखते हैं इसमें। जैसे इसी में अगर मैं आपको लिखूं तो ये 0 जो है वो कैसे लिखेंगे, 0 में आप 3 ऐड कर दो, यानी क्या हो गया 3, तो यानी मैं उसको कैसे लिखूंगा 0011। फिर जैसे ये 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 3 कर दो 4, तो यानी 0100, ठीक है। ये क्या है 2, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 + 3 कर दो, क्योंकि Access3 मतलब 3 ऐड कर दो, तो 2 + 3 क्या हो गया 5, यानी ये क्या बन गया 0101। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो Access3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में कहीं पे भी पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।